हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोम मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एचपी की लैपटॉप i5 11th जनरेशन थिनन लाइट की। तो दोस्तों, इस लैपटॉप को मैंने जो 68,000 रुपीस में अमेजोन से मंगवाया है, तो आज हम करते हैं इसी की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, यह एक गेमिंग लैपटॉप है, तो मैंने इसी के हिसाब से इसको मंगवाया है, एक गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से। तो ये देखो, अमेजोन वालों ने काफी अच्छी सी पैकिंग करके जो हमारे पास इसको भेजा है। और ये निकल के आता है कुछ इस प्रकार के बॉक्स में हमारे पास हमारा लैपटॉप। अगर इसके मॉडल की बात की जाए तो UN3481 करके कुछ दिया गया है, और MS Office जो है इसमें दिया गया है, जो कि लाइफ टाइम होने वाला है। तो दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से एक ट्रे में जो है बंद जो है जो लैपटॉप निकल के आता है, जो कि जैसा कि एचपी ने कहा थिन एंड लाइट, तो ये वाकई बहुत ही लाइट वेट जो है लैपटॉप है। आप सच में देख सकते हैं, ये इतना जो है लाइट वेट है कि इसका जो है जो वेट है जो ओनली एक नोटबुक के बराबर है। इसीलिए इसको थिन एंड लाइट यानी ओनली 1.4 kg का जो है इसका वेट है इस लैपटॉप का। और अगर इसके बॉक्स के अंदर देखे तो हमें मिलती है ये केबल, और इसके साथ जो है एचपी हमें देता है एक 65 वॉट का जो है फास्ट चार्जर। तो यह जो है एक 65 वॉट का फास्ट चार्जर है। और अगर देखा जाए तो इसमें कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन की जो है किट है, जो कि इंस्ट्रक्शन वगैरह है कि आप लैपटॉप को कैसे ऑन ऑफ करेंगे। दोस्तों, अब देखो इसको हम करते हैं ओपन। इसके साथ जो है ये पॉलिथीन दी गई है, तो इसको हम हटाते हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा लैपटॉप। इस पे जो है आपको एचपी की जो है ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर हम जो है देखें इसको, तो ये देखो कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस देखने को इसमें मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको जो है 14 इंच की जो है IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 84% का एस्पेक्ट टू बॉडी रेशियो है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो फाइनली हमारा जो है ये लैपटॉप है वो ऑन हो चुका है और पूरी तरीके से कम्प्लीटली चालू हो चुका है। अगर हम इसमें देखें यहाँ पे साइड की तरफ, तो यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट का स्कैनर दिया गया है, और MS Office है, और विंडो 10 जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर लैपटॉप के और फीचर्स के बारे में बात की जाए, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जो है 16 GB की रैम मिलती है और 512 की जो है आपको SSD मिल जाती है। यानी कि आपका जो है जो लैपटॉप है वो बिल्कुल हैंग फ्री और एकदम से गेमिंग के लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। यानी कि आपको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत यह देखने को नहीं मिलने वाली है। और अगर हम बात की करें इसके लैपटॉप की, तो साइड की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे एकदम से प्लेन है, और अगर हम इस तरफ देखते हैं तो हमें यहाँ पे जो है यहाँ पे जो पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट और ये USB पोर्ट, और यहाँ पे अन्य चीज़ें जो हैं जो SSD या कैमरा वगैरह है उनको आप यहाँ पे साइड में लगा सकते हैं। और अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पे भी आपको एक पोर्ट अलग से मिल जाता है, और यहाँ पे जो है आपको ईयरफोन लगाने का भी ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे जो है HP की ब्रांडिंग देखने को हमें मिलती है, और सामने की तरफ देखा जाए तो ये इसकी जो बेजल लेस डिस्प्ले है। दोस्तों, अगर हम इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही गजब की जो है
वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि आप यहाँ पे चाहे गेमिंग करें और चाहे म्यूजिक सुने, और म्यूजिक में भी आपको जो है बी एंड ओ करके जो यहाँ पे जो आपको एक लोगो दिख रहा होगा साइड में, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसका जो है एक अलग से जो है जो टेक्नोलॉजी आई है, इस टेक्नोलॉजी का इसमें जो म्यूजिक के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी कि ऑडियो आपको एक नेक्स्ट लेवल का इसमें देखने को मिलेगा। और अगर इसकी साउंड क्वालिटी जो है आप देख ही रहे होंगे कि एकदम अलग लेवल की है, और ग्राफिक्स वगैरह जो हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इसमें जो ग्राफिक्स हैं वो इसमें जो ग्राफिक जो दिए गए हैं वो इंटेल आईरिक्स एक्स ई के दिए गए हैं, जो कि एक आपको नेक्स्ट ही लेवल देंगे इस वीडियो में, यानी कि आप किसी भी वीडियो में भी देखेंगे तो इसमें जो ग्राफिक्स है वो नेक्स्ट लेवल के होने वाले हैं, और गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ही अलग जो है देखने को तरीके की देखने को मिलेगी। और इसकी इंटरनेट क्वालिटी और जो भी इसकी जो बिट क्वालिटी वगैरह है वो बहुत ही अच्छी है, इसको बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ बनाया भी गया है। और दोस्तों अगर हम इसकी कैमरे की भी बात की जाए, तो अगर आप जैसे कि इसमें देखो इन एलेक्सा का जो है आपको सपोर्ट भी जो है देखने को मिल जाता है, एलेक्सा बिल्ड है, बी एंड ओ ऑडियो कंट्रोल है जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा इसका कैमरा भी देख लें तो आप इसका जो कैमरा वो नेक्स्ट लेवल का है, यहाँ पे जो है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का भी जो है इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इसकी कैमरे की क्वालिटी भी आपने देखी है कि बहुत ही प्यारी है, और अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये बहुत ही ज़बरदस्त लैपटॉप होने वाला, क्योंकि i5 जो है इंटेल की 11th जनरेशन का जो है जो लैपटॉप है, तो नो डाउट आपको जो है इसमें बहुत ही अच्छा फील होने वाला है। दोस्तों इसके साथ ही साथ अगर आप जो है मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मिश्रा जी टेक गैजेट पर जाके आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे मेरा जो है जो मोटिवेशन है वो और भी बढ़ेगा, और मैं आपके लिए नए नए लैपटॉप्स और नई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ों के लिए जो है आपके लिए जो है नए नए वीडियो यहाँ पर लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में से बस इतना ही। यहाँ पर देखिएगा मैं नए नए फ़ोन और नई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे जो है वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हो सके तो ज़्यादा सपोर्ट के लिए से अपने आप फ्रेंडों में शेयर भी कर सकते हो।